आज शहर निजामाबाद में मजलिस बचाओ तहरीक ऑफिस मालापल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें मजलिस बचाओ तहरीक के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जनाब मीर बशारत अली साहब ने कहा कि मजलिस बचाओ तहरीक BLF पार्टी से एक मायदा किया था कि हैदराबाद निजामाबाद बोधन के जुमला 15 सीट रखे जाए, मगर आज BLF के कन्वीनर नल्ला सूर्य प्रकाश साहब ने एक लिस्ट जारी की जिसमें हैदराबाद के अलावा निजामाबाद अर्बन के कैंडिडेट डिक्लेयर किए। लिहाजा मीर बशारत अली साहब ने कहा कि हम निजामाबाद के मजलिस बचाओ तहरीक के लीडर्स BLF के कैंडिडेट को रिजेक्ट कर रहे हैं और हम निजामाबाद और बोधन से ही मजलिस बचाओ तहरीक के लीडर को ही कंसिडर कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी निजामाबाद के अलावा जनाब अब्दुल सत्तार साहब और मोहम्मद मुश्ताक और इसके अलावा दिगर पार्टी के कारकुन मौजूद थे। आज BLF ने एक फहरिस्त जारी की जिसमें जो है हैदराबाद के अलावा निजामाबाद अर्बन के MLAs के नेम डिक्लेयर किए। हम BLF से माहदा ये किए थे कि हैदराबाद के अलावा बोधन और निजामाबाद अर्बन से MBT का कैंडिडेट रहेगा, मगर इसको बाजू में रखते हुए BLF ने आज एक कैंडिडेट निजामाबाद अर्बन से कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर किया, जिसको मजलिस बचाओ तहरीक बिल्कुल अपोज करती है, इसकी मुखालिफ है, क्योंकि निजामाबाद अर्बन में MBT का गढ़ है। निजामाबाद और बोधन से मजलिस बचाओ तहरीक बराबर इलेक्शन लड़ेगी और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेगी। लिहाजा कल हम लोग एक वफद की शक्ल में हैदराबाद जा रहे हैं, हमारे मजीदुल्ला खान परत साहब से जो BLF के कन्वीनर भी हैं उनसे मुलाकात करते हुए हम जो मुतालबा करेंगे।